हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट है, तो नोटिफिकेशंस लाइट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन की सेटिंग्स पे जाकर, और आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नोटिफिकेशंस लाइट को इसके ज़रिए इनेबल कैसे कर सकते हैं और लाइटिंग को कैसे शो कर सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट हेडफोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली फिर आपको इसमें से जाना होगा फ़ोन आइकन्स पे। फ़ोन आइकन्स पे जाते हैं तो फ़ोन आइकन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। और जो भी आप नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप शो कर सकते हैं नोटिफिकेशंस लाइट को, तो आप देख सकते हैं कि आपको सेटिंग्स पे जाना और उस पर जाकर जो भी आप नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको इसको ऑन करना है। ऑन करते जो भी नोटिफिकेशंस लाइट है, फ्लैश कॉल ऑफ और ऑप्शन है, इसको आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। और जैसे कोई भी नोटिफिकेशन या कॉलिंग्स आपके फ़ोन में आती हैं तो जो आपकी फ्लैश लाइट है आपके स्क्रीन पर रिस्पॉन्स करेगी और बार बार ऑन ऑफ होगी। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको ऑफ कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशंस की लाइट है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगी और इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट एट फ़ोन में, और इसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।